हसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए। मुस्कुराते लम्हे हैं, मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाज़ निगारों के कलम का कमाल है। उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हसी के हसीन लम्हे। आदाब नाज़रीन, हंसी के हंसी लम्हे में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। उर्दू अदब के अजीम कलमकारों में एक नाम है कैप्टन शफीकुर रहमान का। आज का एपिसोड उनकी एक कहानी तावीज़ पर मबनी है, जिसमें शैतान का एक दिलचस्प कारनामा आपको देखने को मिलेगा। यार बड़ी, तुम्हें ये क्या सूझी कि अमेरिका की हाईफाई लाइफ छोड़कर तुम यहाँ इंडिया में झक मारो? हमारी तहजीबी जड़ें यहाँ पेवस थी। दो पुश्तों से हमारा खानदान अमेरिका में आबाद जरूर है, लेकिन हमारी हिंदुस्तानियत आज भी जिंदा है। हिंदुस्तान जाकर तालीम हासिल करने का ख्वाब मैंने बचपन में देखा था, जब मेरे पापा यहाँ की कहानियां सुनाया करते थे, समझे? लेकिन एक बात बताओ कि उर्दू अदब में ऊंची डिग्री हासिल करने के बाद करोगे क्या? मैं अमेरिका जाकर वहां के लोगों को उर्दू सिखाऊंगा। अरे यार, ये रूफी शैतान अभी तक नहीं आया। भाई टाइम तो हो गया, वैसे आता ही होगा अब। अरे लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। आइए आइए शैतान साहब, मेरा मतलब है रूफी साहब। अरे तुम लोग आदमी हो या अल्लाह मियाँ के बैल? अरे अल्लाह मियाँ की गाय होता है मुहावरा। आप लोग फीमेल नहीं हैं, वरना यही अर्ज करता। अरे अरे, वो टेबल पर कौन बैठा है? अरे ये तो अमजद है। अमजद? हाँ, अरे वही अपना पुराना दोस्त भाई। अच्छा, अरे अरे चलो वहीं चलकर बात करते हैं। हाँ, हाँ, चलो। मजा आ जाएगा उनसे बात करने में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बैठे। अमजद, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हुलिया क्या बताऊं यार, अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। बड्डी, ये है हमारा यार, हमारा साथी, हमारा महबूब। और अमजद, ये है हमारे अमरीकी मिर्जा गालिब। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। नहीं भाई। लेकिन अमजद, तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम रो रहे हो? अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? स्कूल के जमाने में कितने शौक जिंदा दिल थे, हैं? आखिर बात क्या है, क्या कर लिया ये तुमने? अमजद, अमजद मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा चलो बताओ, वो आपके खान बहादुर कैसे हैं? खान बहादुर? हाँ, कौन खान बहादुर? हम आप कोई से भी खान बहादुर? अरे मैं कौन सा खान बहादुर को जानता हूँ, ऐसे ही कह रहा था। अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट के ही तो हम आशिक है मेरी जान। यार क्या बताऊं अपनी बदनसीबी का हाल, बस यूं समझ लो कि अपनी लाश अपने ही कंधों पर उठाए घूम रहा हूं। अरे भाई साफ साफ बताओ, हम भी तुम्हारे पुराने साथी हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, अब तो मेरा साया भी मेरा साथ नहीं देता। अरे भाई हम बनेंगे तुम्हारा साया। अब देखो, ताव मत दिलाओ, जो भी बकना है जल्दी से बक डालो, वरना इस मौजूद अमरीकी के सामने यहीं शुरू हो जाऊंगा। यार आखिरी इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा हूं,
पर्चे अच्छे भी हों तो अभी मुकद्दर में फेल होना लिखा है। आजकल तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब बुढ़ापे की अलामत है। इस सब के पीछे हजरते इश्क की कारिस्तानी जरूर है। अच्छा हाँ। अरे भाई तुम्हें तो हर खराबी के पीछे हजरते इश्क ही नजर आता है। ये इश्क है ही ऐसा मनहूस और नामुराद, जिस शाख पर बैठ जाए वो शाख सूख जाए और जिसके दिल में बस जाए वो मियां अमजद बन जाए। भाई ये खासियत तो उल्लू के अंदर होती है। अरे इश्क से बड़ा उल्लू रूए जमीन पर पैदा नहीं हुआ है। इश्क में पढ़कर लोग उल्लू के पट्टे बन जाते हैं। उल्लू के पट्टे? वाकई ये शैतान का बच्चा दुरुस्त कह रहा है। 100% दुरुस्त। देखा अपना कियाफा। हाँ तो हमारे शहजादे मुनीर शामी, कहाँ है तुम्हारी शहजादी हुस्न बानो? ये सखी हातिम सातों सवाल पूरे करके तुम्हें तुम्हारी महबूबा दिल नवाज से मिलवाएगा। इसी शहर में किसी अमीर की साहबजादी है। हाँ यार, उसके बाप ने हिकारत से हमारा रिश्ता ठुकरा दिया। मैं नाकारा जो हूँ, इम्तिहान में मुतवातिर फेल होता हूँ, गरीब हूँ। अब तो लगने लगा है कि जैसे मैं इस धरती पर बोझ हूँ। भाई अमजद, तुम्हारी मुसीबतें तो इतनी हैं कि एक नेकी का फरिश्ता तुम्हारी मुसीबतें हल नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे लिए तो फरिश्तों का पूरा मजमा बैठेगा। तुम फिक्र मत करो, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। अरे शुक्रिया उक्रिया की जरूरत नहीं है, जैसे रोफी तुम्हारा दोस्त है, अर्शद दोस्त है, वैसे ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है आजकल? न्यू कॉलोनी में। अच्छा अब तो हम चलते हैं, कल इसी वक्त यही मिलेंगे। भाई अमजद, तुम पर अल्लाह मेहरबान है और जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है वो लोट पीट कर भी पहलवान हो ही जाता है। मैं समझा नहीं। पता चला है कि यहाँ से दूर पहाड़पुर के जंगलों में एक बाबा जी रहते हैं। मैं कल ही वहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ। मौतबर जराए से पता चला है कि बाबा एक ताबीज देते हैं जिसका असर खाली नहीं जाता। क्या वाकई? हाँ हाँ 100% वाकई। मेरे एक शनासा का आजमूदा है। क्यों बड्डी, क्या तुम्हारे अमेरिका में होते हैं ताबीज गंडे देकर मुश्किलें हल करने वाले लोग? नहीं, लेकिन गुड लक के लिए शगुन होते हैं, जैसे काली बिल्ली को देखना या फिर सड़क पर घोड़े की नाल मिल जाना। लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। एक बार बेवकूफ बन चुका हूँ मैं। अच्छा, तुम भी बेवकूफ बन चुके हो? भाई दुनिया में हर अकलमंद आदमी एक बार बेवकूफ जरूर बनता है। तो मैं भी बन गया। क्या हुआ था भाई? छोड़ यार। अरे बताओ तो सही। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बता ही देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं एक हसीना के इश्क में दीवाना हो गया था। हाय, मगर वो जालिम हसीना मुझे खातिर में ही नहीं लाती थी। ओहो, एक हिप्पी ने $5,000 लेकर बताया कि मैं रात के वक्त सड़कों पर घोड़े की नाल तलाश करता। अच्छा, एक सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क, घोड़े की तरह दौड़ता रहा, लेकिन मुझे घोड़े की नाल नहीं मिली। आखिर में थक हार कर मैं एक अस्तबल में घुस गया। वहां मैंने देखा
बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। एक घोड़ा बड़े प्यार से मुझे देख रहा था, मैं घोड़े को देख रहा, घोड़ा मुझे देख रहा। बस फिर क्या था, मैं घोड़े के पास गया और बड़े प्यार से इसकी गर्दन से उचका, मगर पास में खड़े घोड़े को ये सब बर्दाश्त नहीं। ऐसी लात मारी, अभी तक दर्द होता है यहाँ पर, दबा दे यार। खैर साहब, बड़ी मुश्किल से घोड़े की नाल लेकर मैं कॉलोनी में सुबह जब पहुंचा, वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। हाय अफसोस, अफसोस, मेरी महबूबा सज धज के सजी हुई कार में। वो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दूल्हे के साथ चर्च जा रही थी शादी के लिए। नॉनसेंस, इसीलिए मुझे इन सब चीजों पे यकीन नहीं होता। मिस्टर बड्डी, तुम्हारा वास्ता अभी हिंदुस्तान में रहने वाले बाबा लोगों से नहीं पड़ा है। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे जादू टोने तंत्र मंत्र किए जाते हैं कि तकदीरें बदल जाएं, हुलिये बदल जाएं, यहाँ तक कि दुनिया भी बदल जाती है। ये बात तो है। भाई मैंने हिंदुस्तानी फिल्मों में जादू टोना देखा है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, सब ख्याली है, समझे? अगर पहाड़पुर वाले बाबा ने खुश होकर मुझे ताबीज दे दिया ना, तो फिर तुम भी देखना कि ये ख्याली बातें नहीं है, हकीकत है हकीकत। हिंदुस्तान रूहानियत का देश है। अमेरिका और पेरिस की तरह मतलब प्रश्न नहीं है। अच्छा बाबा, ओके, रिलैक्स। कब जा रहे हो बाबा के पास? कल ही रवाना हो रहा हूँ। आने वाली जुमेरात को बाबा की खिदमत में होऊंगा। क्या तुम्हें मालूम है कि जुमेरात के रोज ही ताबीज गंडे जादू टोने किए जाते हैं? जुमेरात भरी मुनाद। यार मुझे तो हैरत है कि आज के जमाने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये समझते हैं कि दुआ ताबीज से मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हैं? मैं मरते मरते जिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह पर भरोसा और अपने इस हातिम ताई पर एतमाद रखो। अगर मैं उस ताबीज को ला सका तो देखना, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। उसे छोड़ो और खुश रहा करो। भाई अपनी शैतानियों से लोगों का दिल हलकान कर देने वाले रॉफी को गए हुए 4 दिन हो गए हैं, आज तो उसे आ जाना ही चाहिए। यार मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई अपने दोस्तों के लिए इतना ही सार कर सकता है। वो शरारती और मजाकिया जरूर है, लेकिन उसका दिल खुलूस और मोहब्बत का समंदर है। लीजिए, शैतान साहब आ गए। मेरा मतलब है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बाबा जी की खानका शरीफ पहाड़पुर शरीफ से सीधा चला रहा हूं। मगर ये हुलिया, मजाक मत उड़ाना, मैंने रूहानी लिबास पहन रखा है, मुझ पर रूहानियत का असर हो रहा है। अल्लाह खैर करे, बहुत बड़ा इनकलाब है, शैतान पर नेकियों का जबरदस्त हमला। ये नेकियां उस मर्द बदनसीब के लिए हैं। चलो शहजादे, खड़े हो जाओ। 2 दिन तरके हवानात, सिर्फ बकरी का दूध और छुआरे मिलेंगे, तन्हाई में बावजू रहना पड़ेगा। तो क्या तावीज लिया है? हाँ, बाबा जी बड़ी मुश्किल से राजी हुए। ये लो, जियारत कर लो। अमजद,
सोफी ने जो तावीज दिया था उसका कुछ असर वसर हुआ या असर? अरे भाई ऐसा वैसा असर? तबीयत बिल्कुल ठीक रहने लगी है मेरी, जिंदा रहने का हौसला आ गया मेरे अंदर। मेरी सूरत देखकर अंदाजा नहीं हुआ, ये तो तावीज की सदाकत पर पूरा यकीन हो गया है। अरे मुझे भी भाई, मुझे भी यार। एक परेशानी सामने है। वो क्या? यार कल से इम्तिहान है, कुछ भी तो नहीं पढ़ा, इतनी ढेर सारी किताबें हैं। तो कोई बात नहीं, आज कुछ किताबें तुम पढ़ो और कुछ अरशद मियां पढ़ेंगे और कुछ बड्डी पढ़ेंगे, बाकी मैं देख लूंगा। अरे यार मजाक मत करो, ये बताओ कि क्या करूं? अरे भाई पहाड़पुर वाले बाबा का ताबीज तुम्हारे बाजू में है, दिल खोल कर नकल करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ सच कहते हो, हम आप पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम अपने आप से पूछो तुम्हारी तबीयत किस तरह ठीक हो रही है, किस तरह तुम्हारी जिंदगी सुधर रही है, और हाँ बाबा पहाड़पुर वालों का ताबीज तुम्हारे पास है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ अपनी शहजादी हुस्नुबानों से मिले? नहीं यार, हिम्मत नहीं पड़ी उसके वालिद के डर से। हर तरह का डर अपने दिल से निकाल दो, ये ताबीज तुम्हारे बाजू पर बंधा है, फतेह तुम्हारा मुकद्दर है, जाओ। अकीदा सच्चा होना चाहिए। गैबी ताकत जैसी कोई चीज होती है, अगर इसका इत्मीनान हो जाए तो फिर कुछ भी हासिल करने की हिम्मत आ जाती है। बताओ अमजद, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये मोहब्बत है, जुनून है, दीदार के लिए आंखें तरस रही थी। ये सब बातें छोड़ो अमजद, और मेरी बात गौर से सुनो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अबू हम दोनों की शादी हरगिज नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे भूल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। मैं बेवफा नहीं हूं अमजद, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी है, लेकिन हम एक नहीं हो सकते हैं। अब्बू की नजरों में तुम एक नाकारा नौजवान हो जो हर तरह से बेकार है। अब्बू अपनी शानो शौकत और दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए अमजद, मौत नहीं चाहिए, इसलिए खुदा के वास्ते मुझे भूल जाओ। मायूसी की बातें छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अमजद, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस तुम मुझे भूल जाओ। यार रॉफी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना यार, हम तो तुझे सच में ही शैतान समझते थे, लेकिन जिस तरह से बेचारे अमजद की तूने जिंदगी बदल दी है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम तुझे अजीम इंसान के नाम से मुखातिब करें। ऐसी बातें ना करो जिससे मेरे अंदर गुरूर पैदा हो जाए, और हाँ गुरूर आदमी को तबाह कर देता है। यार रॉफी, तुमने जो अमजद को नकल करने की हिम्मत दी है, कहीं यार उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बाबा पहाड़पुर वाले का ताबीज अपना असर दिखाएगा, वहम ना करो। हक अल्लाह। मिस्टर अब्दुल रहमान, मिस्टर अब्दुल रहमान बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ।
पहले मैं साहब से मिल लूं, फिर अंदर जाना। अरे साहब आप कौन है? नंबर इनका है तो इनको जाने दीजिए। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब्दुल रहमान? नो, अमजद हुसैन, बीए फर्स्ट डिवीजन। क्या मतलब? जनाब मैंने उर्दू में अर्ज किया है, अमजद हुसैन, बीए फर्स्ट डिवीजन। क्या तुमने यहाँ अप्लाई किया है? नो। फिर यहाँ कैसे आ गए? जी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनी की साख अच्छी है, चुनाचे सोचा कि इजाजत हो तो बैठ जाऊं। तुम्हें किसी मिनिस्टर या किसी बड़े आदमी ने यहाँ भेजा है? जी नहीं, मुझे सिफारिश से सख्त नफरत है। कोई दरख्वास्त लेके आए हो? दरख्वास्त तो लाया हूँ। सर्टिफिकेट वगैरह? रिजल्ट देख लें, डिग्री बाद में आ जाएगी। पागल तो नहीं हो? जी नहीं, मुझे तो आप खिसके हुए मालूम होते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मुझ जैसे काबिल इंसान को नौकरी ना देकर आप इस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। वो कैसे? आप क्या समझते हैं मैं यहाँ यूं ही घुसाया? आप गैबी ताकत पर यकीन रखते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो फिर समझ लीजिए कि मुझे गैबी ताकत ने ही यहाँ भेजा है ताकि मैं आप जैसे अच्छे इंसान की मदद कर सकूँ जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी सरकारी ऑफिसरों से परेशान है। क्यों, है ना? तुम्हें कैसे पता? गैबी ताकत। अच्छा अच्छा, एक काम करो, इंटरव्यू कैंसिल कर दो और सबको बता दो कि अगली तारीख की इतला जल्द करी जाएगी। जी सर। मिस्टर अमजद, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बॉस, आप मुझे हमेशा मेहनती, ईमानदार और कंपनी का वफादार पाएंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। तुम यहाँ? जी मैं अमजद हुसैन, आपके दरे दौलत पर। तुम्हें जान का खौफ नहीं रहा? जान हथेली पर लेकर आया हूँ सेठ साहब। जबरदस्ती करोगे, गुंडागर्दी करोगे, बेइज्जती का बदला लोगे, हमें कत्ल करोगे? नहीं, अपनी और राशिदा की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ तुम एक नाकारा नौजवान हो। अब मैं नाकारा नहीं रहा, बीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। अखबार नहीं पढ़ा आपने? एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजिम हूँ। हाँ तनख्वाह इतनी तो नहीं कि आपके मयार पर उतर सकूँ, लेकिन ज़रा सोचिए जब आप मेरी उम्र के थे तो आपकी हैसियत क्या थी, और जब आपको पहला सरकारी ठेका मिला था तब? हम राशिदा से उसकी मर्जी पूछ लेते हैं, अगर उसने इनकार किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। बस शौक। आपका सीना हाजिर है। अपू, अपू ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी बताओ, क्या तुम इस नाकारा मुफलिस बदतमीज आवारा को पसंद करती हो? बोलो, कहो तुम इसे पसंद नहीं करती हो। इसी वक्त इस कमबख्त को हम शूट कर देंगे। अबू, कहो, घबराओ नहीं, हम पर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा। ये दरबान को जख्मी करके कोठी में घुस आया है, ये डाकू है। नहीं नहीं अबू, ये आपके दामाद हैं। बेटे हम हार गए, तुम जीत गए। नहीं अब्बाजान, ऐसा ना कहिए, आप अजीम हैं।
मैं मेडिकल वगैरह से कायल नहीं, लेकिन आज कायल हो गया। माशाल्लाह, इम्तिहान में पास हो गए, सेहत बन गई, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी हो गई, भाई इससे बड़ा मिरेकल और क्या होगा? भाई अमजद साहब, मैं आपके इस मुकद्दस तावीज की जियारत करना चाहता हूँ। हाँ, करा दो जियारत, ये तो सवाब का काम है। ओहो, तो सोने में मंडवा लिया है। इसमें तावीज में लिखा क्या होता है? एक इबारत होती है। मुकद्दस अल्फाज एक खास तरतीब से लिखे होते हैं। फिर भी लिखा क्या होता है इसमें? वल्ला आलम, पता नहीं बाबा ने क्या लिखा होगा। शैतान भाई, मेरा मतलब है रूफी भाई, क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। नहीं भाई, ये बेअदबी होगी और गुनाह होता। भाई सारा गुनाह मेरी गर्दन पर, एक बार खोलकर देखूंगा फिर बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, इस तरह तो इसका असर जाहिल हो सकता है। अरे रूफी भाई, वैसे भी अमजद साहब को अब इस तावीज की जरूरत क्या है, एक बार खोल के देखने दो ना। इनका जी नहीं मानता है तो देख लेने दो। मैं समझता हूँ कि इससे तावीज के तकद्दस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ शुक्रिया। हाँ। अरे ये तो प्लास्टिक की थैली है, इसमें लिखा क्या होता है ये? आया करो इधर भी मेरी जान कभी कभी। इसी शैतान की हैंडराइटिंग है। हैं? नाज़रीन, तकसीम हिंद के बाद तकरीबन 5 दहाइयों तक शफीकुर रहमान का कलम उर्दू दुनिया के लाखों कारईन के जहनों को गुदगुदाता रहा। उनकी बेशुमार तहरीरों को उर्दू तंजो मजाह का एक बेशकीमती सरमाया समझा जाता है। उर्दू के इस नामवर कलमकार की पैदाइश मशरकी पंजाब के कस्बा कलानूर में 9 नवंबर 1920 को हुई थी। पेशे से डॉक्टर थे और जंग के मुख्तलिफ मुहाजों पर तैनात भी रहे। फौजी मुलाजमत के दौरान बरतानिया चले गए और वहीं से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। 1980 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन बनाए गए और 19 मार्च 2000 को रावलपिंडी में उन्होंने वफात पाई। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे।